हे हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में बातें कर रहे थे आईपीएससी के क्वेश्चंस की, हम लोग क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग इसी के बारे में पढ़ रहे थे दोस्तों। तो आइए उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक और नेक्स्ट बढ़िया सा क्वेश्चन कराता हूँ। एक मतलब इमेजेस दी जाती है, जैसे एक इम्प्रेशन दिए रहते हैं, उनके आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करने रहते हैं, ठीक है। काफी ढेर सारी लाइनें खींची रहती हैं, तिरछे सीधे, ठीक है। तो उसकी नॉमेनक्लेचर करना हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और कमेंट में करके बताओ कि आपको कैसी लगी वीडियो, ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, आपके सामने क्वेश्चन नजर आ रहा होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन ऐसे घरों पे आपने देखा हुआ, दरवाजों के ऊपर बने रहते हैं ऐसे, ठीक है। कुछ लोग अपने दरवाजे के जस्ट ऊपर जंगले में लगा के ऐसे, तो ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया आईपीएससी का दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही मैं मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, ये हमारा आईपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आईपीएससी का क्वेश्चन, तो हमारी वही पुरानी वाली टेक्निक रहेगी जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोस में सीख चुके हैं। सबसे पहले प्राइमरी कार्बन से चेन शुरू करो, लॉन्गेस्ट चेन छाटो, फिर नंबरिंग करो, फिर सब्स्टिट्यूएंट छाट लो, फिर उसके बाद आईपीएससी नॉमेनक्लेचर कर दो, ठीक है। तो हम लोग उसी कड़ी में इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए, पहले सबसे पहले इसमें हम लोग लॉन्गेस्ट चेन छाटेंगे जो प्राइमरी कार्बन से शुरू होगी, ठीक है। जो चेन हम लोग काउंट करेंगे वो प्राइमरी कार्बन से ही शुरू होगी, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो प्राइमरी कार्बन सबसे पहले देख लीजिए कितने हैं यहाँ पे, कहाँ कहाँ पे है। ये है वन, ये है टू। प्राइमरी कार्बन का मतलब भी मैं आपको बता चुका हूं, जो सिर्फ सिंगल कार्बन से लगाओ, वन कार्बन से लगाओ, ठीक है। तो ये एक प्राइमरी कार्बन, दो प्राइमरी कार्बन, ये तीन प्राइमरी कार्बन, ये चौथा प्राइमरी कार्बन। और मैं ये भी आपको बता चुका हूं, जहां पे लाइन समाप्त होती है वहां पे कार्बन होता है, और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड यहां पे है, और जो इसकी बाकी बची हुई तीन वैलेंसीज है वो हाइड्रोजन से जुड़ी होती है। ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक है। मैं कई बार इसको रिपीट कर चुका हूं दोस्तों। तो इसमें देखिए, प्राइमरी कार्बन हमें चार मिल रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखते हैं चेन कौन सी लॉन्गेस्ट मिलती है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक और देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो कहीं से भी आप काउंट कर लीजिए, आपको 5 कार्बन की ही चेन मिल रही है, ठीक है। तो इसमें कहीं से भी जाओ, किसी भी प्राइमरी कार्बन से, तो हमें 5 कार्बन की ही चेन मिल रही है। तो कोई सी भी ले लो ना यार, इसमें टेंशन किस बात की। ये देखो, हम लोग ये वाली ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये ले लिया। अब ये क्या हो गया आपके, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट को क्या किया, तुरंत गोले में बंद कर दिया, ताकि हमसे क्या कोई मिस्टेक ना हो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करने में, ठीक है। तो 5 कार्बन की चेन हो गई, लॉन्गेस्ट चेन, 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल गए। ये 1 2 2 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग, एथाइल, एथ कहते हैं, एल्किल है ये, एल्किल के रूप में जुड़ा हुआ है, तो एथिल हो गया, ठीक है। 2 एथाइल है। अब समझिए, 1 2 3 3 नंबर पे ये भी एथिल है, 3 नंबर पे ये भी एथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो 3 3 डाइथाइल, और 5 कार्बन का एल्क क्या होता है, पेंट, और ये सिंगल कार मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो क्या होता है इसका, एन, ठीक है। तो पेंटेन, 3 3 डाई इथाइल पेंटेन, ठीक। ये हो गया इसका नॉमेनक्लेचर। आइए एक और क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं, लगे हुए हाथ से देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा होगा, थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखिए, बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है ना। ये देखिए, ये एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, उम्मीद करता हूं आपको नजर आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए, इसमें सबसे पहले भाई लंबी चेन छाटो यार, सब्स्टिट्यूएंट छाटो यार, नंबरिंग करो यार, नॉमेनक्लेचर कर दो यार, सिंपल सा यार, नंबर पा जाओ यार, ठीक है। यहां से हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर की हमें चेन मिल गई। और भी देख लेते हैं ना यार, टेंशन किस बात की, प्राइमरी कार्बन से देखना है हमें चेन, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, सबसे लंबी चेन हमें स्ट्रेट ही मिल रही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की हमें चेन मिल गई, ठीक है दोस्तों। 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल गए, एक मिथाइल मिल गया, एक इथाइल मिल गया, मेथिल ग्रुप, एथिल ग्रुप, ठीक। अब क्या करेंगे, ये देखिए, हमें एक बार ये देखना रहता है कि हम लोग प्राइमरी कार्बन तो ये भी है, प्राइमरी कार्बन ये भी है, तो हम लोग चेन किधर से शुरू करें, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास में होता है, पास में होता है। मैं आपको बता चुका हूं, पिछली वीडियोस आप लोग नहीं देखे तो देखिए, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपका, ठीक है। तो हमें मिथाइल मिल गया, इथाइल मिल गया सब्स्टिट्यूएंट के रूप में, 7 कार्बन का होता है हेफ्ट, ठीक है। तो यहां पे देख लीजिए, 1 2 1 2 3 4 4 नंबर पे क्या मिला, इथाइल, 4 इथाइल, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, 7 कार्बन का हेप्ट और सिंगल बॉन्ड है, तो एन,
फोर इथाइल थ्री मिथाइल हेप्टेन, ये हो गया आपका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार, और सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात कि चैनल को सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियो को यार, सपोर्ट करो आप लोग ताकि मैं आपको और भी बेहतर वीडियो दे सकूं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।